स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप दर्शकों जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां हम समाज के विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी विशेष और उल्लेखनीय सेवाओं दर वाले व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे आपकी चर्चा करवाते हैं और उनके अनुभव से आपको अवगत भी कराते हैं। आज मैं बात करूंगा होटल इंडस्ट्री की। भारत में जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री का विस्तार हुआ है, जिस तरह से टूरिज्म का विकास हुआ है, एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में उभर कर सामने आया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है होटल इंडस्ट्री से जुड़े महेंद्र गुप्ता जी। महेंद्र गुप्ता जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेंद्र गुप्ता जी के बारे में बता दूं, वो सोपान होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, केशव कोऑपरेटिव बैंक के वो वाइस चेयरमैन हैं, होटल महासंघ के वो वाइस चेयरमैन हैं और गेस्ट हाउस एसोसिएशन करोलबाग के से भी वो जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि उनका एक अलग व्यक्तित्व भी है, वो है समाज सेवा का, टाउन वेंडिंग कमेटी के वो सदस्य भी रहे। तो महेंद्र गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे होटल इंडस्ट्री के बारे में है। आज देश की अर्थव्यवस्था में होटल इंडस्ट्री जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था में होटल इंडस्ट्री का कितना महत्वपूर्ण योगदान है? हर देश की इकोनॉमी के लिए एक होटल इंडस्ट्री जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से हमारे देश यानी भारत के लिए जो होटल इंडस्ट्रीज़ है अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। अभी हमारे पास इतनी पोटेंशियल है यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने की और होटल इंडस्ट्रीज की कि हम अभी 10-20-50 सालों तक इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, होटल इंडस्ट्रीज़ की चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना? देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में एक समस्या है वो ये है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है टूरिज़्म की। टूरिज़्म को प्रमोशन करने के लिए भारत सरकार की पुराने जो 20-30-50 सालों में कोई हमने कंक्रीट किसी भी स्टेट ने या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी, कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाई, जिसके कारण क्या है कि ये बेतरतीब बिना किसी दिशा से ये टूरिज़्म यहाँ पर जो ग्रो कर रहा है, जो भी अपने आप कर रहा है वो अपने आप कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अभी पोटेंशियल और ग्रोथ की और उसके अंदर एक दिशा की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, होटल इंडस्ट्री के लिए पिछले 5 वर्ष में मोदी सरकार के तहत क्या कुछ हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है जी, कहीं पर भी हम जाते हैं किसी भी देश में, हम वहाँ क्या कहते हैं कि यार बड़ी सफाई बहुत है। ऐसे ही जो मेन मुद्दा मोदी जी का रहा कि स्वच्छ भारत, वो जो जगह जगह पर हमारे टूरिस्ट जो स्पॉट थे उसके अंदर जो सफाई अब जो हमारे को विजिबल हो रही है वो एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण 5 सालों के अंदर योगदान करा। दूसरा, अभी हम कितने ही सालों से उन स्पॉट्स को, उन जगहों को चिन्हित ही नहीं कर पाए थे कि जिससे कि हमारा टूरिज्म और ये जो प्रमोशन हो सके। इसके कारण मोदी जी ने बहुत अलग पिछली सरकार ने बहुत ही रेयर जो जगह थी उनको एक्सप्लोर कर और वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दे वो किया। दूसरा, जो अभी आ रही है उड़ान एक योजना जो आ रही है कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई यात्रा करे, तो छोटे छोटे देशों में 2-3 टायर जो हमारी स्टेट्स हैं उनके अंदर जब हम हवाई जहाज जो फॉरनर्स हैं उनको जब आने जाने की सुविधा बढ़िया मिलेगी तो टूरिज्म का प्रमोशन छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत आगे होगा। अब चुनावों के बाद देश में नई सरकार आएगी, नई सरकार से होटल इंडस्ट्री को क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या अपेक्षाएं? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो भी हमारे एग्जिस्टिंग जो टूरिस्ट प्लेस है उनको वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड और वेल साफ सुथरा वहाँ एक हमारे को एक एनवायरनमेंट देना चाहिए। दूसरा, जो जैसा मैंने कहा कि नई नई स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ों को, ऐसा हमारे तो देश में इतनी ज़्यादा अभी क्षमताएं हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कि अगर हम बिल्कुल अलग से मंत्रालय जो अभी भी है परंतु अच्छी तरह से एक मंत्रालय से टूरिज्म का प्रमोशन का ही दे दें तो उसमें हमारे को इतना आगे प्रमोशन मिलेगा, इतना ज़्यादा हमारे को फॉरेन करेंसी मिलेगी, इतना हमारा देश के लिए आगे ग्रोथ मिलेगी कि हम उसको बहुत तरीके से हम उसको विजिबल कर सकते हैं। अच्छा, आप टाउन वेंडिंग कमेटी से भी जुड़े रहे हैं, आप उसके सदस्य रहे हैं, आपको मौलिक समस्याओं का पता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में भी एक राष्ट्रीय वेंडर नीति लाने की घोषणा की गई थी, अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया और ख़ासतौर पर महानगर में जिस तरह से सड़कों के किनारे और पटरियों पर जो लोग अपना रोजगार करते हैं, देखिए उनकी व्यवस्था भी है, तो इस दिशा में आपका क्या विचारधारा है? देखिए, एक देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमने अपनी सिटी ना जी जितनी भी शहर बने वो विदाउट प्लान बन गए जी। क्यों? हमारे कोई दिशा नहीं थी,
तो उसके अंदर क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन देश की बढ़ती रही और बेतरतीब शहर और चीज़ें बढ़ती, जैसे जैसे शहर बढ़े तो वैसे वैसे रिक्वायरमेंट हर चीज़ की बढ़ी। तो क्या हुआ कि जो हॉकर्स थे, वेंडर्स थे, वो जहाँ जहाँ पर भी उनको जगह मिली वो वहाँ पर किसी भी कॉम्प्रोमाइज तरीके से। वो नॉर्थ एमसीडी का मैं सदस्य था पिछली, नॉर्थ एमसीडी एमसीडी में, उसके अंदर क्या हम लाइसेंस इशू करते थे, परंतु क्या एक पूरी अच्छी तरह पॉलिसी तब भी नहीं बन पाई और अब भी दिल्ली में कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। जहां आपको देखा होगा सारे, हर सारी दिल्ली में जहां मर्जी उसको स्पेस मिलती है वो मिली भगत से और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, सारी की सारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, न्यूसेंस फैलती है, उसकी कोई प्लानिंग अभी हमारे पास ना स्टेट की ना पूरे देश की है। महेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली होटल इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं? देखिए, होटल इंडस्ट्री जो दिल्ली की है वो बड़ी समस्याओं से इस समय ग्रसित है जी। पिछले दिनों एक दुर्घटना दिल्ली में हुई, उसके कारण क्या हुआ कि कुछ होटल पर कुछ गाज गिरी, कुछ नॉर्म्स पैरामीटर्स हैं जो सेटअप हुए हैं, कुछ एमसीडी ने सेट किए हुए, कुछ दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो दिल्ली के जो गेस्ट हाउस हैं जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वो हमारे गेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस छोटे गेस्ट हाउसेज हैं जो लगभग 15 कमरों से लेकर और 30-35 होटल तक हैं। वो हमने अपनी जगह लेकर और अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं, उसके समय समय पर नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। और हमारा क्या दुर्भाग्य रहा कि तीन तीन एजेंसियों से हमें सब ये लाइसेंस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक मॉनिटर करती है एमसीडी, दूसरी करती है दिल्ली सरकार, तीसरी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उन तीनों में आपस में एक कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण हमारे जैसे गेस्ट हाउसों को बहुत समस्याओं का एक सामना करना पड़ता है और कोई कंक्रीट पोजीशन पॉलिसीज ना होने के कारण हमें दिन पर दिन समस्याओं से ग्रसित रहना। आप उद्योग से तो जुड़े हुए हैं लेकिन आपके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू है, वो है समाज सेवा को। आप कई दिशाओं में काम करते हैं, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको आप किस तरह से निभा रहे हैं? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी। तो हम अपना काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए समाज के प्रति उत्तरदायी जरूर होना चाहिए। मैं तो बचपन से ही एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, डिसिप्लिन स्वयंसेवक हूँ, और उसके अंदर हमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व पहले बताया जाता है। तो हमेशा मैं तो यही अपने जीवन में भी, और मैं दूसरों को भी यही कहूँगा कि सब काम करते हुए भी समाज में हमें कुछ ना कुछ उसके उत्थान के लिए, उसके उसके प्रतिष्ठा के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहे। तो महेंद्र गुप्ता, इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो गया है दर्शकों आपसे छोटा सा ब्रेक लेने का, जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात समाज सेविका नीरजा झा सबोई, जो कि बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। उनका ताल्लुक बिहार से है लेकिन उन्होंने विदर्भ क्षेत्र के किसानों के लिए भी काम किया है। मौजूदा दौर में वो जनता दल यू के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें विशेष रूप से वशिष्ठ नारायण सिंह ने आमंत्रित किया है। आइए करते हैं उनसे बातचीत। नीरजा जी, आपकी पृष्ठभूमि बहुत व्यापक रही है, बहुत आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं। आपने समाज सेवा भी किया, आपने विदर्भ के किसानों के बारे में भी अध्ययन किया और भी काम किया। अब आपको जनता दल यू की विचारधारा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, तो आप बिहार के चुनाव में जाकर के मतदाताओं से संपर्क कैसे कायम करेंगे आप? हाँ, पहले तो मैं जेडीयू के हमारे जो प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो जेडीयू पार्टी, नीतीश जी और पंडित वशिष्ठ नारायण जी और हमारे के महेंद्र सिंह जी, इन तीनों का तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी उनका। और दूसरी चीज़ है दिशा टीवी से हरीश जी, आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद उनके लिए भी करूंगी, क्योंकि उन्होंने मौका दिया आपने मुझे बोलने का, क्योंकि पहली बार ही मैं जाके कैंपेनिंग कर रही हूँ और उनकी विचारधारा को लोगों के सामने दिखाऊंगी, बताऊंगी कि क्या क्या उन्होंने काम किया। सब देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ जाके पहली बार और होप मैं सक्सेस हो जाऊंगी। उन्होंने जो भी कौन से इलाके में जाएंगी? मैं जाऊंगी झांझा के साइड और गोपालगंज और आपके भागलपुर इस साइड में, दो चार जगह जाऊंगी जरूर। पटना से निकलूंगी, जहाँ जहाँ मुझे आदेश दिया जाएगा वहाँ जरूर जाऊंगी। अच्छा, 2014 के चुनाव में बिहार का गणित कुछ और था और 2019 के चुनाव में बिहार का चुनावी परिदृश्य बिल्कुल अलग है। आपके सामने महागठबंधन की चुनौती है,
तो आप क्या समझती हैं इस संबंध में? नहीं, ऐसे चुनौती मुझे नहीं लगता, ये सब चुनौती जो पार्टी की अपनी छवि है वो मेंटेन है बिहार में भी, और जो ये वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं वो सारे के सारे अपने आप में एक पिलर के समान खड़े हैं, इनकी छवि और इनका जो प्रकाश है वो बिखरा हुआ है, फैला हुआ है लोगों के अंदर, और लोगों को पता है कि कौन सा काम अच्छा हो रहा है, कौन सा काम बुरा, कौन बुरा कर रहा है। तो मुझे इसमें महागठबंधन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। जो वशिष्ठ नारायण जी की छवि है उसमें कोई भी कमी नहीं है, नीतीश कुमार जी की छवि है उसमें कोई भी कमी नहीं है, जनता का पूरा विश्वास उन पर है और बना रहेगा, यही ये मेरा मानना है और सही बात है, यही। अच्छा, आप क्योंकि गठबंधन सरकार है बिहार में, भाजपा भी भागीदार है, तो एक नीतीश सरकार की उपलब्धियां, उनकी विकास परियोजनाएं में कितना आप फर्क पड़ा है बिहार के लिए? अभी लास्ट टाइम जब मैं पटना गई थी तो मैंने खुद देखे वहाँ पर जो फ्लाईओवर्स बने हैं, अच्छे अच्छे रोड्स बने हैं और स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, जितना अच्छा उन्होंने काम किया है नीतीश कुमार जी ने, उतना तो मुझे लग रहा पिछले 2-4 साल 10 साल पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है वो बहुत अच्छी स्थिति बनी है। तो नीरजा जा जुभोई नीतीश सरकार की नीतियों का प्रचार एवं प्रसार मतदाताओं के घर घर जाकर संपर्क करके करेगी, और वो इतनी आश्वस्त है अपनी जीत के मुकाबले कि उनके सामने महागठबंधन कोई चुनौती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा झा जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। अब वक्त हो गया है आपसे ब्रेक लेने का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दर्शकों फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस खंड में हम चर्चा करेंगे देश के मौजूदा चल रहे राजनीतिक परिदृश्य की, क्योंकि आम चुनाव बहुत नज़दीक हैं। जिस प्रकार से मतदान के दिन नज़दीक आते जाते हैं, लोगों की उत्सुकता, लोगों की जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ जाती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री विपिन गोयल जी। विपिन जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं विपिन गोयल जी के बारे में बता दूँ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित स्वयंसेवी हैं और उनका अब तक का जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा है। नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के जो कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर किरण रिजिजू जी चलाते हैं, उसके एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं और मोदी मिशन 2019 में वो दिल्ली के महामंत्री हैं। तो विपिन जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अब 2019 के चुनाव जो हैं वो बिल्कुल दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं, एक संघ के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से आपका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, लेकिन आप सही आंकलन करके बताइए, क्या मोदी सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियां अपनी कसौटी पर खरी उतरी? देखिए, मेरा और जो जनता का अनुमान है कि पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने देशभक्त के लिए और देश हित के लिए जो काम किया है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। और मुझे आज जो मैं जनता में जाता हूँ, जब मैं किसी रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ, वेटर से भी पूछता हूँ और किसी रिक्शा वाले से भी पूछता हूँ और व्यापारी से भी पूछता हूँ, वो कहते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर आज एक प्रधानमंत्री है जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक अच्छी सरकार इन्होंने पिछले 5 साल में दी भी, आगे भी मुझे हमें उम्मीद है कि ये पिछले अगले 5 वर्ष में भी अच्छी सरकार दे सकते हैं। आप मिशन 2019 से भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, मोदी सरकार की नीतियों को, उनकी उपलब्धियों को अब जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर घर तक उसे बात को अवगत कराया जाना चाहिए कि सरकार की क्या उपलब्धि है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम घर घर जा रहे हैं, टीवी प्रचार के माध्यम से, पेपर प्रदान के माध्यम से, अब पर्सनली व्यक्तिगत मिल मिलकर हमारे जितने कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं। और कुछ तो लोगों को खुद ही पता है कि हमें इतना प्रचार की ज़रूरत नहीं है, जैसे 9 करोड़ में घर के सिलेंडर गए हैं और हर घर घर बिजली गई है और उज्ज्वल योजना जो अभी चल रही हैं, 160 योजनाएं मोदी जी ने इस 5 साल में शुरू करी हैं, जनधन योजना शुरू करी है। इनका टारगेट है कि देश के अंदर विकास होना चाहिए और विकास के जिस तरह के कार्यक्रम मोदी जी ने किए हैं, कि उस हिसाब से मैंने जो देखा है कि हमारा जो जन जन व्यक्ति है वो मोदी जी से इतना उत्साहित है और वो मुझे पूरी उम्मीद है 2019 में पहले से बड़ी सरकार देगी और पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी। तो दर्शकों, विपिन गोयल जी ने बताया कि देश का और राष्ट्र का मूड क्या है उनके नज़रिए से। तो विपिन जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। नए कार्यक्रम में नई शख्सियतों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।